हेलो दोस्तों, आज हम आपको पेडेस्टल वॉश बेसन लगाना सिखा रहे हैं। दोस्तों, तो आप वीडियो को पूरा देखे, बिना स्किप किए आपको पूरा नॉलेज मिलने वाला है। तो दोस्तों, हमने इस वॉश बेसन का जॉइंट कनेक्शन लगा दिया है। अब इसको स्टैंड पर लगाकर इसके बैक साइड में हम मार्क लगाकर दीवार पर पॉइंट बनाएंगे और उन मार्क पर हम हैमर से हॉल करके इसके स्टेडो को कसेंगे। तो दोस्तों, हमने स्टैंड पर इसको लगा दिया है। अब इसकी बैक साइड में दो हॉल है वॉश बेसिन के बैक साइड में, तो वहाँ पर हमें पेंसिल से मार्क लगा देना है दीवार पर। और मार्क लगाने के बाद में उसमें हमें हॉल कर देना है हैमर से। उसके बाद में ग्रिप डाल के हमें स्टेडो को कसना है। तो दोस्तों, हम स्टेडो को डाल दिया हमने हॉल करके, पहले मार्क लगाया था फिर स्टेडो को हॉल करके डाल दिया। अब इसको कस के हम वापस इसको स्टैंड पर लगाएंगे और वॉश बेसिन को कस के आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको नॉलेज होगा तो आप आराम से खुद भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमने इसको लगा दिया स्टैंड पे लगा कर, इसके चेक नटों को हमने बैक साइड से कस दिया है दोस्तों। ये देखिए, हमने कस दिया, एकदम फिक्स हो चुका है, अब ये किधर भी नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों, आप पूरा वीडियो को देखें और नॉलेज ले सकते हैं आप हमारे वीडियो को देख के। अब इसके बाद में हम इसकी टैब लगाएंगे सेंटर में, जो हमने लंबी गर्दन वाली ली, और ये टूटी लगी, यहाँ पर हम एंगल वॉल लगाएंगे दोस्तों। तो इस टूटी का हमें काम नहीं है, अभी इसको हटा देते हैं और यहाँ पर हम लगाएंगे एंगल वॉल को। तो एंगल वॉल के चूड़ी पर हमें पहले टेफ्लॉन टेप लगा देनी है। तो हम टेफ्लॉन टेप लगा कर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, हमने टेफ्लॉन टेप लगा दिया। अब कैप कैप को इसके आगे लगाकर हमें इस एंगल वॉल को यहाँ पर कस देना है दोस्तों। तो हम आपको इसको कस के दिखा देते हैं। तो दोस्तों, देखिए हम इसको, ये देखिए दोस्तों, हमने इसको कस दिया है। अब हम इसकी लॉन्ग नेक वाली टेप को ले लेंगे और इसकी फ्लेक्सिबल पाइप को भी ले लेंगे दोस्तों। इसका कनेक्शन भी हम आपको करके दिखाएंगे दोस्तों। तो हम आपको इस टेप को निकाल कर बता दें, जो मूवमेंट करने वाली, इधर उधर घूमने वाली है, आप कहीं भी इसको घुमा कर सेट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, हमने टेप को बाहर निकाल दिया। इसके नीचे जो चेक नट लगा हुआ, उसको खोल के रबड़ वाला हिस्सा ऊपर रखना है, रबड़ का वाशर ऊपर रखना है और चेक नट को नीचे से आपको कस देना है दोस्तों। तो हम आपको इसे कस के दिखाते हैं, इस चेक नट को निकाल के। तो दोस्तों, हमने चेक नट को खोल देना है और खोल के टेप को यहाँ पर हॉल पर लगा के नीचे से इस चाकी को कस देना है आपको। तो हम इसको कस दिया है दोस्तों। ये देखिए, हमने रबड़ वाला वॉशर ऊपर लगाया और नीचे से चेक नट को हाथ से कस दिया, और फिर प्लास की मदद से थोड़ा सा और टाइट कर देना है ताकि वो हिले नहीं, मजबूती से कस जाएगी। अब इसके बाद में हमें फ्लेक्सिबल पाइप लगा कर एंगल वॉल में कनेक्शन करना है, ताकि एंगल वॉल से पानी की सप्लाई इस टैप तक पहुंच जाए। और ये टैप मूवमेंट करने वाली है, तो इधर उधर घुमा घुमा के हम सेट कर सकते हैं। तो हमने पाइप ले ली है फ्लेक्सिबल वाली, 18 इंची की पाइप है दोस्तों। आपके यहाँ पर जितना डिस्टेंस हो उसके हिसाब से पाइपें मिलती है, 2 फुट की भी आती है, 3 फुट की भी आती है। तो आपका जितना डिस्टेंस है उसके हिसाब से आप नाप कर पाइप ले सकते हैं दोस्तों। अलग अलग नाप की मिलती है मार्केट में। तो हमें इसका एक मुंह टैप के नीचे कस देना है दोस्तों। तो दोस्तों, हम इसको कस के आपको एंगल वॉल में भी इसका मुंह कस के दिखा रहे हैं दोस्तों, देखते रहिए आप वीडियो को पूरा। तो अब इसका दूसरा मुंह हम एंगल वॉल पे कस देते हैं। इसके अंदर रबड़ की रिंग आती है, तो ज़्यादा कसने का काम नहीं, यहाँ पर पानी लीकेज नहीं होगा। आप आराम से हल्के हाथ से कस के इसको टाइट कर दें और फिर इसका कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। हम आपके लिए इस तरह के वीडियो बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। कंप्लीट इंस्टॉलेशन पूरा हो गया है वॉश बेसिन का, एंगल वॉल हो गया।
भी है, लॉन्ग नेक टैप हो गई, ये नीचे से इसका कनेक्शन नट बोल्ट वगैरह सारे कस दिए है, वेस्ट पाइप निकाल दिया है, नीचे से फ्लेंज को भी कस दिया है। ओके दोस्तों, और आगे और नया काम करके दिखाते हैं आपको।